आपका मेरे चैनल पे स्वागत है फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स ये वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको आप प्रेस कीजिए और फ्रेंड्स इसके बाद ये नोटिफिकेशन बटन के लिए ये बेल आइकन है इसको भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे हेलो फ्रेंड्स राधे राधे फ्रेंड्स आज मैं लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी ड्रेस आपको बनाना सिखाऊंगी तो देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है कितनी प्यारी चोली बनी है बहुत ही हैवी ड्रेस है फ्रेंड्स तो आप ये बहुत ही इजीली घर पे बना सकते हैं जब अगर आप ये मार्केट में खरीदेंगे तो काफी कॉस्टली मिलेगी इसमें बहुत ही कम सामान चाहिए और इतनी प्यारी ड्रेस बहुत ही कम टाइम में बहुत ही सुंदर बन जाएगी ये ड्रेस मैं आपको सारे साइज में बनाना बताऊंगी तो अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि क्या क्या मटेरियल चाहिएगा ड्रेस बनाने को तो so फ्रेंड्स इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें ये सामान चाहिए सबसे पहले हमें बुकरम चाहिएगी उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का कपड़ा यूज किया है आप चाहे तो कोई और कलर का भी कपड़ा यूज कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स डेकोरेट करने के लिए हमें यहाँ पे गोल्डन बॉल चेन की जरूरत है ये देखिए इसके बाद मुझे यहाँ पे फ्लावर्स मैंने लगाए हुए हैं अगर आप नहीं लगाना चाहें तो आप वो नहीं लगा सकते हैं ये एकदम ऑप्शनल है इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे मोती यूज किए हैं अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के जैसे मैंने तिलक वाले मोती यूज किए हैं छोटे और बड़े तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें मेरे पास तिलक वाले मोती हैं छोटे और बड़े तो आप भी इस तरह से यूज कर सकते हैं इसके बाद मैंने यहाँ पे गोल मोती यूज किए हैं तो ये मेरे पास गोल वाले मोती हैं तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इस तरह के मोती यूज किए हैं अगर आपके पास अलग शेप के तो आप उस तरह से भी यूज कर सकते हैं पूरा ड्रेस मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपकाया है क्योंकि थोड़ा सा ये स्ट्रांग चाहिए फैब्रिक ग्लू काफी स्ट्रांग होती है तो मैंने उसकी हेल्प से इसको चिपकाया है फ्रेंड्स यहाँ पे डोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का ये थ्रेड यूज किया है आप चाहे तो किसी और भी कलर से या कपड़े से जो है थ्रेड का ये डोरी बना सकते ये डोरी जो है ड्रेस की बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स काफी कम मटेरियल है बहुत ही सुंदर ड्रेस इससे बन जाएगी फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस का कलेक्शन दिखाना चाहती हूँ ये जो ड्रेसेस हैं मैं सेल आउट भी करती हूँ होलसेल में भी और रिटेल में भी ये देखिए यहाँ पे ये जो है मोर पंखी वाली ड्रेस है जैसे कि ये मुकुट है तो इस तरह से मैं सारी ड्रेसेस जो है सेल आउट करती हूँ इसका जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दिया जा रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे दिया है अगर आपको ये ड्रेसेस खरीदनी है तो आप ले सकते हैं वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मैंने इंस्टाग्राम पे भी हूं इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप ये देख सकते हैं जिसका लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है फ्रेंड्स ये देखिए कितने सुंदर सुंदर डिफरेंट ड्रेसेस हैं ये देखिए यहाँ पे एक एप है ड्रेस है बीड्स वाली भी है विदाउट बीड्स भी है फ्रेंड्स देखे यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी के शूज भी बनाए हुए हैं ये देखे कितने प्यारे शूज हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये जम्प सूट भी बनाती हूँ ये देखिए जम्प सूट है यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए पोंचू भी बनाया हुआ है ये देखिए ये जो है यहाँ पे नाइट सूट है ये एक बिब सूट आ गया है फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ये पूरी एक ड्रेस है जिसका इसी का पोंचू था इसके साथ का ये आप अलग से भी ऑर्डर कर सकते हैं ये देखिए ड्रेसेस देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेसेस हैं फ्रेंड्स ये देखिए ड्रेस फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते जाइए फ्रेंड्स कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं यहाँ पे ये जो है लीफ वाली ड्रेस है फुल स्लीव्स की ड्रेस है ये डिफरेंट पैटर्न की है ये देखिए फ्रेंड्स ये एक ड्रेस है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स ये किसी ये इसकी कैप आ गई है फ्रेंड्स हर तरह की ड्रेस जो है हमारे पास अवेलेबल है ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो कलर में है आपको जो भी कलर आपको चाहिए जिस नंबर की ड्रेस आपको चाहिए उस तरह से आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये एक और ड्रेस है ये इस तरह की अलग कैप आ गई है इसमें ये बीड्स वाली एक अलग कैप है देखिए तो इस तरह से जो भी आपका डिमांड है आप उस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं फ्रेंड्स एक और ऑर्डर आया था मेरे पास नाइन इंच और ट्वेल्व इंच के लिए ड्रेसेस का जो कि राधा कृष्ण के जोड़े की ड्रेस है वो भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ पे मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जिनमें इन ड्रेसेस को बहुत ही अच्छे से मैंने जो है दिखाया हुआ है हर ड्रेस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है अगर आपको वो आप, आप उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए कि आपको अगर कोई भी लड्डू गोपाल जी के जो ड्रेस बनानी है अगर आपके लड्डू गोपाल जी के साइज डिफरेंस डिफरेंट है हम जो हम सिखाते हैं तो उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस के लिए सारे सारे साइजेस के लिए मेजरमेंट दूंगी तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये जीरो से दस नंबर तक के लिए लड्डू गोपाल जी के ड्रेसेस के मेजरमेंट है यह आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर जो आपके लड्डू गोपाल जी का साइज है उसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस तक सारे हैं अभी मैं जीरो नंबर की बना रही हूँ ड्रेस तो मैं आपको उसके मेजरमेंट दिखाऊंगी तो ये देखिए यहाँ पे आउटर डायमीटर जो है पांच से छह इंच है इनर डायमीटर है हाफ इंच चोली की लेंथ और विथ भी बताई हुई है जो कि है टू इंच और वन फोर्थ इंच फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो भी मैंने मेजरमेंट्स दिए हैं सारे इंचज में हैं ना कि सेंटीमीटर्स में हैं तो अब हम इसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पे मैं ड्रेस बनाने के लिए बुकरम लूंगी तो बुकरम के लिए देखिए यहां पे मैंने आउटर डायमीटर पांच से छ इंच लेना है तो आपकी मर्जी है अगर आपको थोड़ा लंबा घेरा चाहिए होता है तो आप छह इंच ले सकते हैं वरना पांच इंच भी चलेगा तो पांच से छह इंच के बीच में आप ले लीजिएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए मैं मेजर करके जब दिखाऊंगी तो ये देखिए करीब पांच इंच का ही है मैंने यहाँ पे पांच इंच का लिया छह इंच तक ले सकते हैं इसके बाद इनर डायमीटर देखिए फ्रेंड्स हाफ इंच है तो ये देखिए इनर डायमीटर मैंने हाफ इंच लिया है यहां पे मैं एक से करके दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सही से क्लियरली विजिबल हो जाए तो एक से आधे इंच से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो इतना चल जाता है फ्रेंड्स तो और चोली की लेंथ और विड्थ मैंने आपको बता दी दो और वन फोर्थ इंच जब मैं चोली बनाऊंगी तब भी मैं आपको फिर से एक बार और बता दूंगी तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इनर आउटर डायमीटर इनर डायमीटर चोली की लेंथ विड्थ सारे जो है मैंने यहाँ पे मेजरमेंट दे दी है अब इस तरह से यहाँ पे देख के कोई भी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस जो है बना सकते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले ड्रेस बनाने के लिए हमें बुकरम चाहिए जो कि मैंने आपको अभी बता दिया था किस मेजरमेंट के लिए है मैंने कट कर ली है फ्रेंड्स यहाँ पे एक और टिप है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पुरानी जो ड्रेसेस हैं आपके लड्डू गोपाल जी की उस उनके साइजेस के अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा हम आप पे ग्रीन कलर का कपड़ा यूज कर रहे हैं आप चाहे तो कोई और कलर का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं मैंने ये वाला कपड़ा यूज किया है इसको मैं आगे और पीछे दोनों तरफ पेस्ट कर लूंगी कई बार लोग पूछते हैं फ्रेंड्स कि पीछे की तरफ क्यों मतलब कपड़ा लगाना है तो फ्रेंड्स वो हम इसलिए लगाते हैं कि बुकरम कई बार थोड़ी सी चुभती है काना जी को बिल्कुल चुभे नहीं इसलिए हम ये जो है आगे और पीछे दोनों साइड जो है कपड़ा लगा देंगे कपड़ा लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी क्या तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड जो है कपड़ा लगा लिया है अब फ्रेंड्स हम इसको डेकोरेट करेंगे ड्रेस को ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ ये देखिए तिलक वाले मोती हैं काफी सारे मोती लेने हैं फ्रेंड्स इसमें और मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इस तरह से इसको पूरे को एक जो है इस तरह से पूरा कवर कर दूंगी तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा भी देती हूँ फैब्रिक ग्लू से तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा जो है इन मोती से तिलक वाले मोती से डेकोरेट कर लिए अब इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है थोड़ी सी जगह छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पे मैं किसी और चीज से डेकोरेट करूंगी इसके बाद फ्रेंड्स मुझे क्या करना है एक रो यहाँ पे मैं गोल्डन पोल चेन से डेकोरेट करूंगी ये देखिए गोल्डन चेन से इसको मैं एक रो जो है पूरा इस तरह से डेकोरेट कर लूंगी ये लगा के मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स ये देखिए मैंने एक लेयर जो है गोल्डन बॉल चेन की लगा ली है तो देखिए कितना प्यारा लुक दे रहा है बहुत ही अच्छा लुक दिया है फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करूंगी ये मेरे पास डेकोरेटेड मोती हैं थोड़े से डिजाइन वाले हैं मतलब इससे मैं डेकोरेट करूंगी आप चाहें तो सिंपल मोती भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास डिजाइन वाले मोती है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डिजाइन वाले हैं तो मैं इसको यूज कर रही हूं अब एक लेयर जो है मैं इसकी लगाऊंगी फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पूरी मैं जो है ये लेयर कंप्लीट कर लूंगी तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है इसके बाद फ्रेंड्स ये वाला जो स्पेस है मैं इसलिए छोड़ रही थी क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक फोर्म फ्लावर लगाऊंगी तो अभी मैं ये लगा देती हूँ यहाँ पे मैं सारा काम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से कर रही हूँ थोड़ा सा धीरे होगा बट फ्रेंड्स फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी इसमें और इसमें क्या है कि ग्लू गन फिर दिखेगी इसलिए मैं यहाँ पे इसी से ही लगा रही हूँ फैब्रिक ग्लू के बाद में सूखने के बाद दिखती नहीं है तो काफी अच्छी फिनिशिंग आएगी तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अब ये फोम फ्लावर्स भी लगा दिए है अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक रो जो है पूरी यहाँ पे ये वाला भी पोर्शन मैं लूंगी और यहाँ पे पूरा जो है मैं यहाँ पे गोल्डन बोलचेन से फिर से एक बार और डेकोरेट करूंगी तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने फिर से गोल्डन बोलचेन की जो है ये वाला कंप्लीट कर लिया है इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये छोटे वाले तिलक के मोती लगा रही हूँ पहले बड़े लिए थे इस बार छोटे ले रही हूँ तो फ्रेंड्स आपकी मर्जी है अगर आपके पास यही वाले हैं तो आप यही वाले फिर से रिपीट कर सकते हैं अगर आपके पास ये वाले नहीं है तो और अगर आप सिंपल वाले लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं मेरे पास यहाँ पे काफी सारी वेराइटी है तो मैं अलग अलग जो है यूज कर रही हूँ तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे छोटे वाले तिलक भी लगा दिए थे उसके बाद मैंने गोल्डन बोल चेन भी लगा ली है तो इस तरह से मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है अब इसके बाद फ्रेंड्स मैंने जो ये वाले मोती लगाए थे मैं फिर से यही वाले लगा दी ये देखिए इसकी पूरी एक रो जो है मैं कंप्लीट करूंगी उसके बाद गोल्डन बॉल चेन लगा लूंगी फिर फिर मैं उसके बाद तिलक वाले ये वाले मोती लगाऊंगी फिर गोल्डन बॉल चेन लगाऊंगी तो इस तरह से मैं अपनी ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा जो बेस है वो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे डेकोरेट कर लिया है इन गोल्डन बॉल चेन से और मोती से यहां पे फ्रेंड्स मैंने फ्ला फ्लावर लगाया था इसकी जगह आप अगर यही पूरा पैटर्न से ही इसको डेकोरेट करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह से ये मेरा घेरा जो है बनकर तैयार हो गया काफी हैवी घेरा है ये देखिए फ्रेंड्स काफी अच्छा लुक दे रहा है इसके बाद फ्रेंड्स अब मैं बनाऊंगी चोली चोली के लिए फ्रेंड्स मैंने इस बार इस तरह की चोली बनाई है थोड़ी डिफरेंट है तो ये मैंने कट करके रख ली है मैं आपको इसके मेजरमेंट्स दे देती हूं सबसे पहले फ्रेंड्स अगर मैं आपको मेजरमेंट्स में ये देखिए ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है यहां पे जीरो नंबर का अगर हम मेजरमेंट देखेंगे तो दो इंच दो लेंथ है और वन फोर्थ इंच विड़थ होगी ये मेरी जो सिंपल चोली थी उस तरह की उसमें मैंने यूज किया था जैसे कि ये वाली चोली है ये देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने दो स्ट्रिप्स कट की हुई थी उसकी लेंथ मैंने यहाँ पे इस तरह से जो भी मैंने बोले हुए यहाँ तीन नंबर की चोली अगर है तो चार इंच होगी दो नंबर की इंच है तो लेंथ साढ़े तीन इंच होगी तो इस तरह से है और विड़थ भी उस हिसाब से मैंने ली थी पर यहां पे मैंने अलग तरह की चोली बनाई है बट ऑलमोस्ट मेजरमेंट जो है सेम होगा तो मैं आपको बता देती हूं ये देखिए यहां पे लेंथ मुझे दो इंच चाहिए तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स ये लेंथ जो है पूरी दो इंच है ये देखिए फ्रेंड्स दो इंच ही लेंथ ली है इसके बाद फ्रेंड्स जो विड़ आनी थी टोटल मैंने यहाँ पे एक इंच लिया है ये जो पूरा टोटल जो है ये मैंने एक इंच के करीब लिया है फ्रेंड्स बट यहाँ पे अगर मैं एक एक अगर अगर आप यहाँ पे दो स्ट्रिप्स काटते तो वन फोर्थ वन फोर्थ इंच की लेनी थी तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये जो है इसकी ये वन फोर्थ इंच ही है ऑलमोस्ट तो ये देखिये मैं एक से सवा एक के बीच में है ऐसे यहाँ पे भी एक से सवा एक के है तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनकी विट तो वन फोर्थ इंच ही है लेकिन ये पूरा जब ज्वाइन है एक साथ ही है तो इसलिए यहाँ पे पूरे जो मैंने ये विट ली है वो पूरी एक इंच है सर्कल मैंने बीच में यहाँ पे कट कर दिया है तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ये जो बुकरम है कट कर सकते हैं उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ड्रेस में जो है ग्रीन कलर का बेस लगाया था ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रीन कलर का बेस है तो मैं यहाँ पे भी बुकरम जो है बुकरम पे ग्रीन कलर का कपड़ा जो है पेस्ट कर लूंगी दोनों तरफ पेस करूंगी फ्रेंड्स क्योंकि चोली का बैक साइड भी जो है दिखता है तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड जो है कपड़ा लगा लिया है अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसको फोल्ड कर लूंगी यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पीछे की साइड जो है डेकोरेट नहीं करूंगी सिर्फ चोली की फ्रंट साइड जो है वो डेकोरेट करूंगी तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गोल्डन बॉल चेन यूज करूंगी जो कि मैंने ड्रेस में भी यूज की है तो ये गोल्डन बॉल चेन से मैं इसको डेकोरेट करूंगी तो ये जो नेक है फ्रेंड्स यहाँ पे इसको मैं गोल्डन बॉलचेन से डेकोरेट कर दूंगी तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे गोल्डन बॉल चेन लगा ली थी नेक की साइड में उसके बाद फ्रेंड्स ये मैंने छोटे छोटे जो मोती हैं वो भी लगा लिए ये काफी छोटे थे चोली में छोटे मोती ही अच्छे लगेंगे इसलिए मैंने छोटे मोती लिए तो ये भी मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिए राउंड शेप में ही इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डोरी लगा दूंगी यहाँ पे ये मेरे पास गोल्डन कलर में ये थ्रेड है शाइनिंग वाला तो ये मैं यहाँ पे इस तरह से लगा दूंगी ताकि वो डोरी का काम करे तो इस तरह से लगा के मैं आपको दिखा ये देखिए मैंने यहाँ पे चोली पे जो है डोरी लगा ली है तो ये अच्छे से चिपक भी गई है इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बॉल चेन की एक रो ऐड कर ली है तो इससे ये और ज्यादा प्यारा लुक दे रहा है और फ्रेंड्स अगर आपको चोली को और हैवी बनानी है तो आप एक रो और मोती की और एक रो फिर बॉल चेन की ऐड कर सकते हैं अल्टरनेट चलेगा तो ये बहुत ही अच्छा लुक दे जाएगा उसके बाद भी मुझे इतनी हैवी नहीं चाहिए थी तो मैंने इस तरह से रखा तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये ड्रेस जो है पूरी बनके कंप्लीट हो गई है ये घेर है जो कि कितना ही प्यारा लग रहा है उसके बाद तो ये चोली भी बहुत ही प्यारी लग रही है तो पूरी ड्रेस इस तरह से कंप्लीट हो गई है और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज प्लीज इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी थैंक यू फ्रेंड्स राधे राधे